हेलो हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार सिंह आप लोगों का साथी। फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रहा हूँ यूपीपी 2018 की 41,520 वैकेंसी के विषय में। दोस्तों, इसके विषय में मुख्य मेरा मुद्दा है कि जो फाइनल मेरिट आई थी, जिसमें काफ़ी सारे लड़के, काफ़ी सारे अभ्यर्थी पहली लिस्ट वाले भी बाहर हो गए हैं, सेकेंड लिस्ट वाले भी बाहर हुए हैं। तो एक तो बोर्ड पे आरोप लगा कि इतनी ज़्यादा कैंडिडेट बुलाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि क्योंकि दोबारा मेरिट बनाना पड़ा और पहली लिस्ट वाले भी काफ़ी लड़के बाहर हो गए, सेकेंड लिस्ट वाले भी बहुत लड़के बाहर हो गए। और इसमें एक दो फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा सामने आया है, खुलासा हुआ है। इसमें 165 अभ्यर्थी होमगार्ड के जो फर्जी सेलेक्ट हुए थे, तो इनको चयन से बाहर किया जा रहा है। 165 अभ्यर्थी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। और दूसरा कि 232 और कैंडिडेट है, अदर कैंडिडेट हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इनके एज अंडर एज हैं या ओवर एज हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल 397 सीटें वैकेंट हो रही हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ दोस्तों कि फाइनल रिजल्ट तो फिर आने वाला है रिजल्ट, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से हटा लिया गया है, तो दोबारा रिजल्ट आना तय है। उसमें बस ये देखना है दोस्तों कि वैकेंट कैंडिडेट के स्थान पे नए कैंडिडेट लिए जाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो इन लोगों का बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से फर्जी सेलेक्ट हुए थे जो कि होमगार्ड के सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं, और ये अंडर एज ओवर एज कुल मिलाकर के 397 सीट लगभग 400 सीटें खाली जा रही हैं। और दूसरी रूल की इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लड़के लेने चाहिए थे, क्योंकि मेडिकल में कुछ तो कुछ छटेंगे ही जरूर। तो ये सब देखते हुए मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अगर फाइनल मेरिट आती है, फिर से फाइनल रिजल्ट आता है और उसमें नए कैंडिडेट नहीं लिए जाते, तो कभी कभी बैकलॉग चले जाती है वैकेंसी, खाली सीटों को दोबारा बाद में भरा जाता है नई वैकेंसी ला करके। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि बैकलॉग ना जाए और उसको भरा जाए, जो फिजिकल में और बच्चे पास हुए हैं उनको लेकर के। तो इसके लिए बस यही चाह रहा हूँ कि बस आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार करिए, देखिए अगर नए कैंडिडेट नहीं लिए जाते हैं तो इसके लिए हम लोग व्यापक आंदोलन किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही संपर्क कर लिया जाए, या प्रोन्नति बोर्ड पे, यूपीपी एवं प्रमोशन बोर्ड पे के चेयरमैन आरके विश्वकर्मा जी से ही संपर्क कर लिया जाए और ज्ञापन दे दिया जाए। तो बस यही इंतज़ार करिए, आप लोग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को जोड़िए अपने, जो नहीं सेलेक्ट हो पाए कैंडिडेट फिजिकल पास करने के बावजूद, तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं और इस विषय में स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।